रॉकस्टार फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को भी ऑफर मिला था, लेकिन दीपिका उस वक्त इतना कंफ्यूज थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। इम्तियाज ने दीपिका को समझाया और कहा कि रॉकस्टार फिल्म उनकी तकदीर बदल सकती है, लेकिन फिर फिल्म की कहानी दीपिका को पसंद नहीं आई। और फिर बाद में जब क्लियरली दीपिका से पूछा गया तो दीपिका ने कहा कि वो अभी किसी भी फिल्म में काम नहीं करना चाहती। इन सब बातों से मेकर्स कंफ्यूज हो गए थे, पर उसके बाद दीपिका को ये लगा कि उन्हें वो फिल्म करनी चाहिए थी। एक रियलिटी शो के दौरान उन्होंने फिल्म का जिक्र भी किया था। अगर रॉकस्टार 2 के लिए दीपिका को मौका मिला तो वो इस बारे में जरूर सोचेंगी। इम्तियाज अली जो कि डायरेक्टर थे रॉकस्टार फिल्म के, उन्हें इस मास्टरपीस को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर्स ने ये पूछा था कि रॉकस्टार फिल्म में मेकर्स ने हीर की एंडिंग क्यों नहीं दिखाई थी। तब इम्तियाज ने कहा था कि वो चाहते थे कि एंड के बाद वाले सीन में ऑडियंस के लिए एक कंफ्यूजन छोड़ा जाए और शायद रॉकस्टार 2 मूवी में उस कंफ्यूजन को दूर करता दिखाया जाए ताकि फिल्म रॉकस्टार से कनेक्टेड लगे। रॉकस्टार 2 में इम्तियाज अगर वहीं से कहानी शुरू करते हैं जहां पर खत्म हुई थी तो वो इनके हिसाब से एकदम परफेक्ट जाएगा, जो ऑडियंस को जरूर पसंद आएगा। रॉकस्टार फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने अपना स्क्रिप्ट वर्क तो खत्म कर लिया था, उसके बाद वो एक सही तारीख का इंतजार कर रहे थे ताकि वो शूटिंग शुरू कर सके। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले इम्तियाज जल्द से जल्द कास्टिंग करना चाहते थे, इसलिए वो फौरन ऋतिक रोशन के पास गए। उन्होंने ऋतिक को रॉकस्टार फिल्म की पूरी कहानी सुनाई। ऋतिक ने इम्तियाज से कहा कि उन्हें एक कहानी समझ आ गई, लेकिन वो फिल्म में काम करना चाहते हैं या नहीं इसके बारे में वो बाद में बताएंगे। अगली सुबह इम्तियाज को ऋतिक का फोन आया और ऋतिक ने कहा कि वो स्टोरी से सैटिस्फाइड नहीं है, जिसके बाद इम्तियाज अली ने सोचा कि अब वो स्क्रिप्ट पर भी काम नहीं करेंगे। पर तब रणबीर आए इम्तियाज की आखिरी उम्मीद बनकर। अब रॉकस्टार 2 की कास्टिंग शुरू तो नहीं हुई, पर उसमें रणबीर कपूर के अलावा इम्तियाज किसी और के बारे में सोचेंगे, ये होगा नहीं। किसी भी मूवी की कास्टिंग बिल्कुल आसान नहीं होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेकर्स जिन्हें कास्ट करना चाहते हैं वो किसी न किसी कारण से मना कर देते हैं, और ऐसा ही हुआ था रॉकस्टार मूवी के डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ। इम्तियाज रेडी थे रॉकस्टार की स्क्रिप्ट के साथ, यहाँ तक कि मेन लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने रणबीर कपूर को चुन लिया था। लेकिन जब बारी फीमेल लीड एक्ट्रेस की आई तो इम्तियाज डायरेक्ट जा पहुंचे सोनम कपूर से मिलने और उन्हें रॉकस्टार मूवी में बतौर मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का ऑफर दिया। लेकिन सोनम ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उस साल अपनी दो अलग अलग फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी, एक तो मौसम और दूसरी फिल्म का नाम था थैंक यू। वैसे रॉकस्टार 2 में सोनम काम करना चाहेंगे कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। जब इम्तियाज अली को इंडिया की एक्ट्रेसेस से मेन लीड रोल के लिए ना सुनना पड़ा था, तब इम्तियाज को आइडिया आया कि क्यों ना पाकिस्तान से किसी फेमस फीमेल लीड एक्ट्रेस को इंडिया बुलाया जाए, वो भी रॉकस्टार मूवी के लिए, और उस एक्ट्रेस का नाम था मीरा। जब इम्तियाज ने मीरा से बात की तो मीरा मान गई थी फिल्म में काम करने के लिए। लेकिन जब मीरा को बताया गया कि पूरी शूटिंग इंडिया में होगी तो ये सोचकर मीरा ने मना कर दिया था, जिसके बाद फिर से इम्तियाज अली निराश हो गए थे। इम्तियाज अली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं रॉकस्टार मूवी से रिलेटेड, और आपको ये फैक्टर्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।